नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। कुछ दिन पहले बिहार में एनडीए और जदयू ने गठबंधन कर सरकार चलाती थी, लेकिन आज जेडीयू ने एनडीए का साथ छोड़ महागठबंधन का हाथ पकड़ लिया है। और जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है, तब से नीतीश कुमार ना ही सिर्फ बीजेपी बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी खुलकर सामने आ गए हैं। वो लगातार बीजेपी के साथ साथ केंद्र सरकार के कई योजनाओं पर, कई मुद्दों पर खुलकर विरोध जताते हैं। और अब तो डायरेक्टली उन्होंने 2024 के लिए प्रधानमंत्री का खुद को उम्मीदवार भी बना दिया है। और अब वो 2024 के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिए तैयार हैं। जेडीयू की राहें अलग हो जाने के बाद नीतीश कुमार अब पूरी तरीके से बदल गए हैं और अब वो भाजपा को घेरने के लिए तैयार रहते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खुलकर सामने आ चुके हैं। निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं। विधानसभा में विश्वास मत प्राप्त करने के बाद नीतीश नए फॉर्म में दिख रहे हैं। कई मुद्दों पर बीजेपी व केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। बिहार में जाति आधारित गणना सहित कई नए पुराने मुद्दों पर आगे भी नीतीश के निशाने पर पीएम मोदी व उनकी केंद्र सरकार रहेगी। एक बात और यह है कि नीतीश कुमार में प्रधानमंत्री पद के चेहरे के रूप में पेश किए जाने की चर्चा रही है। वे खुद ऐसी दावेदारी तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन यह जरूर कहते हैं कि अब विपक्ष को एक साथ लाने की कोशिश जरूर करेंगे। बिहार की पिछली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए सरकार में बीच के कुछ सालों को छोड़ दे तो साल 2010 से हाल तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहे। बीजेपी के साथ उनके जनता दल यूनाइटेड की डबल इंजन सरकार रही। बीते कई चुनाव में नीतीश कुमार ने विकास को मुद्दा बनाया। अब महागठबंधन की सरकार बनाने के बाद नीतीश कुमार इस विकास में केंद्र की वर्तमान सरकार की भूमिका पर सवाल खड़े करते दिख रहे हैं। अब उनके निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व बीजेपी है। विधानसभा में विश्वास मत पर चर्चा के दौरान नीतीश कुमार ने बीजेपी के नेता लाल कृष्ण आडवाणी और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तो नाम लेकर तारीफ की, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिए बिना उन पर हमला बोल दिया। बिहार के विकास में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को निशाने पर लेते हुए नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार में गांव-गांव तक सड़कें बनी हैं। ये सड़कें केंद्र की देन नहीं है, राज्य सरकार ने काम किया है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने बिहार के गांव तक सड़क पहुंचाने का फैसला किया था। नीतीश कुमार ने अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी की तारीफ के माध्यम से नाम लिए बिना पीएम मोदी के लिए अपनी राय जाहिर कर दी थी। उन्होंने कहा कि वाजपेयी व आडवाणी एक एक बात मानते थे। इशारों में ही नीतीश कुमार डबल इंजन की पिछली सरकार में पीएम मोदी पर बात नहीं मानने का आरोप लगाया। इसे पटना विश्वविद्यालय को केंद्र विश्वविद्यालय बनाने के आग्रह को अस्वीकार किए जाने के उदाहरण से स्पष्ट भी किया। हाल ही के दिनों की बात करें तो जाति आधारित जनगणना को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का स्टैंड पीएम मोदी से अलग है। केंद्र सरकार जाति आधारित गणना के खिलाफ है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर हाल में जातिवाद गणना कराने की घोषणा कर चुके हैं। बिहार में बीजेपी को छोड़ अन्य सभी प्रमुख दल इसमें नीतीश कुमार के साथ है। नीतीश कुमार इसे विकास व समाज कल्याण योजना बेहतर कार्यान्वयन से जोड़ते हैं। बिहार में इस मुद्दे पर बीजेपी व पीएम मोदी अकेले पड़ते दिखे हैं। नीतीश कुमार बीजेपी को सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने वाला बता रहे हैं। विश्वास मत पर चर्चा के दौरान उसकी मंशा पर सवाल खड़ा करते हुए वह कह चुके हैं कि ये लोग समाज में झगड़ा पैदा करना चाहते हैं। बीते दिनों सीए व एनआरसी के खिलाफ नीतीश कुमार के स्टैंड को देखा जा चुका है। तब के विपक्षी महागठबंधन ने भी सीए व एनआरसी को सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वाला करार दिया था। ऐसे में स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री के निशाने पर बीजेपी की भगवा पॉलिटिक्स भी रहेगी। अब बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पीएम पद के लिए विपक्ष का चेहरा होने की है तो हाल के दिनों में इसकी चर्चा तेज हुई है। जेडीयू भी ऐसा लगातार कहता रहा है कि जवाब में बीजेपी ने भी प्रधानमंत्री पद के लिए नो वैकेंसी की बात कह रही है। इस
अब इस संबंध में अगले लोकसभा चुनाव में ही स्थिति स्पष्ट होगी। हाँ, नीतीश कुमार चुनाव में विपक्ष एकता का आह्वान जरूर करते रहे हैं। वे कहते हैं कि ऐसा हुआ तो बीजेपी को कोई नहीं पूछेगा। तो देखिए, कुछ दिन पहले जिनकी दोस्ती थी, आज वो कैसे आमने सामने खड़े हो गए हैं। एनडीए और जेडीयू आमने सामने खड़ी हो गई है। नीतीश कुमार लगातार भाजपा से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को के ऊपर हमला बोल रहे हैं। जो एनडीए कभी डबल इंजन की सरकार, जो कि केंद्र की बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चलाती थी, आज वो ही कट। जो जेडीयू जो है डबल इंजन की सरकार, केंद्र के बीजेपी की सरकार के साथ मिलकर के काम करती थी, आज वही जेडीयू केंद्र के विकास मुद्दे पर सवाल उठा रही है, भाजपा पर सवाल उठा रही है। तो इस खबर में बस इतना ही। और भी वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ फाउंडेशन।